हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये टॉपिक का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मैट्रिसेस यूनिट में कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, टेस्ट द फॉलोइंग सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी एंड सॉलिड। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 13, 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 12। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम में किए थे। तो यहां पे हमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी चेक करना है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होता है देन आफ्टर हमें उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो चलो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद देखिए कैसा होता है। तीनों इक्वेशन जो है वो हम यहां पर लिख लेंगे। द गिवन इक्वेशंस आर, तो ये देखिए गिवन इक्वेशन जो है ये हमने यहां पे लिख दिए हैं और अब हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे द अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट अप करते समय यहां पे आपको तीन मैट्रिक्स बनाना है। सबसे पहले आप बनाएंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देन आप बनाएंगे अननोन मैट्रिक्स और फिर लास्ट में बनेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनता है, तो तीनों इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है वो आपको यहां रखना है। पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 1, तो हम यहां पर लिखेंगे 1 1 1। सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है 2 1 3, तो ये हम लिखेंगे 2 1 3। और थर्ड इक्वेशन में है 5 2 1, तो हम लिखेंगे 5 2 1। इसमें अननोन क्या है, एक्स वाई जेड है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे एक्स वाई जेड। और अब यहां पे राइट साइड में क्या कांस्टेंट है, 6 13 12, तो ये हम लिखेंगे 6 13 12। तो फाइनली जैसा हमने कहा था कि तीनों इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिया है। और मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद यहां पे जो तीन मैट्रिक्स बने हैं उसमें जो ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये पहले मैट्रिक्स को हम ले लेंगे एज अ ए मैट्रिक्स। ये जो लास्ट मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे एज अ बी मैट्रिक्स। और ये जो बीच का एक्स वाई जेड वाला मैट्रिक्स है इसको कहेंगे हम एक्स मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो ये हम यहां पे लिखेंगे, हमें क्या मिला, हमें मिला ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। इस तरह का हमें फॉर्म मिला है, ये ए मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो ये हमें फॉर्म मिला है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहां पर ए एक्स और बी क्या है वो हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, तीनों मैट्रिक्स को हमने यहां पे मेंशन कर लिया है। ये जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया है, ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो ये हमने यहां पे मेंशन कर लिया है। और अब चलो हम यहां पे कंसिस्टेंसी चेक करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब कंसिस्टेंसी कैसे चेक करने का, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले एक नया मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा जो कि ए और बी का कॉम्बिनेशन रहेगा। इट मीन्स ए और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके हमें एक न्यू मैट्रिक्स तैयार करना है। वो मैट्रिक्स को हम कहेंगे मैट्रिक्स सी, जो कि कहलाएगा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो चलो हम ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू ए और ये बी। देखिए हम अब क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। देखो ए और बी हमने यहां पे कंबाइन में लिख दिया है और अब हम इसके एलिमेंट्स यहां पे रखेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, देखिए 1 1 1 2 1 3 और 5 2 1, तो ये हमने ए मैट्रिक्स यहां पे लिख दिया है। उसी तरह से अब बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 6 13 और 12, तो ये देखिए ये हमने ए और बी मैट्रिक्स को हमने यहां पे कंबाइन कर लिया है। हम यहां पे बीच में पार्टीशन कर लेते हैं ताकि ए और बी मैट्रिक्स आपको क्लियर कट दिखाई दे। ये देखिए ये जो 3x3 के एलिमेंट्स हैं ये ए मैट्रिक्स है और ये जो कॉलम मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये बी मैट्रिक्स है। तो हमने अब क्या किए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कंबाइन करके यहां पे नया मैट्रिक्स बना दिए, मैट्रिक्स है सी। ये मैट्रिक्स को कहते हैं ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। और अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना है, ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी का रैंक चेक करना है। अगर हम इसका रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर
आसान हो जाएगा कंसिस्टेंसी चेक करना। अब रैंक फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ही इसका रैंक निकलेगा, और अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें उसका रैंक चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं सबसे पहले क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब ये कैसे समझ में आ रहा है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो नहीं है। क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ऐसा है कि जो मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो इसमें 3 रोज है और इसमें 4 कॉलम्स है। इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3/4। और अगर ये 3/4 का मैट्रिक्स है तो ये 3/4 के मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से हैं, तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ये है 2, 5, 2 और 1। ये जो 4 प्लेसेस है ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है, ये 4 लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हैं। तो जैसा हमने कहा था कि जो मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होते हैं ऐसे मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स में क्या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है, नहीं, इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। और अगर यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो अब हम इसका रैंक फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें इसका रैंक फाइंड आउट करने के लिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे, और रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके ये 4 प्लेस पे हम 0 लेके आएंगे। अगर ये 4 प्लेस पे 0 आ गया तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और फिर हम इसका रैंक चेक करेंगे तभी हमें कंसिस्टेंसी मिलेंगी। तो चलो यहां पे हम यहां पे कितने रो है वो सबसे पहले चेक करो। तो जैसा हमने कहा था यहां पे 3 रोज है, ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये रो 2 और रो 3 के ये प्लेस पे हम 0 लेके आएंगे। अब ये दोनों प्लेस पे 0 कैसे आएगा, देखो पहले ये 2 प्लेस पे 0 लेके आना है, फिर बाद में ये 2 प्लेस पे 0 लेके आना है। तो ये 2 प्लेस पे 0 लेके आने के लिए अभी हम यहां पे 2 इक्वेशंस लिखेंगे। यहां पे ये रो 2 है और ये रो 3 है, तो हम यहां पे रो 2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे और रो 3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। और यहां पे 0 लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कैलकुलेशन रो 1 के साथ करना पड़ेगा। रो 1 के साथ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए यहां पे 2 है, हमें यहां पे 0 लेके आना है। अगर यहां पे 0 लेके आना है तो 2 - 2 करना पड़ेगा, 2 - 2 करेंगे तो ही 0 आएगा। तो ये कैसे लाएंगे 2 - 2, यहां पे 2 है तो हमें काम करेंगे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहां पे 0 आ जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे रो 2 - 2 ऑफ रो 1, ऐसा करने से हमें यहां पे 0 मिल जाएगा। उसी तरह से अगर हमें यहां पे 0 चाहिए, 5 की जगह 0 चाहिए, तो 5 - 5 करना पड़ेगा तो 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करके उसको रो 3 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे रो 3 - 5 ऑफ रो 1, देखो हमने ऐसा इक्वेशन लिख दिया। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। ऐसा हमने यहां पे इक्वेशन लिख दिए। चलो देखते हैं कैसे 0 आएगा और क्या यहां पे नया मैट्रिक्स बनेगा वो हम आपको बताते हैं। तो चलो यहां पे आते हैं और नेक्स्ट मैट्रिक्स देखो, कैलकुलेशन हम आपको रफ में बताएंगे। तो यहां पे सबसे पहले एक काम करेंगे, जो रो 1 है वो एज इट इज लिखेंगे। रो 1 में हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे, तो ये हमने देखिए रो 1 एज इट इज लिख दिए। रो 1 के साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए रो 1 जो है वो उसके एलिमेंट्स हमने एज इट इज लिख दिए। बस हमें रो 2 और रो 3 में चेंजेस करना है। तो रो 2 के लिए हमने ये इक्वेशन लिखा है। तो अब हम रो 2 के सभी एलिमेंट्स, देखो रो 2 के सभी एलिमेंट्स आपको यहां रखना है R2 के जगह, और इसके रिस्पेक्टिव रो 1 के सभी एलिमेंट्स आपको यहां रखना है R1 के जगह। तो चलो हम यहां पे रखेंगे, सबसे पहले 2 यहां पे रखो और इसका रिस्पेक्टिव 1 जो है वो यहां पे रखो। तो इक्वेशन ऐसा बनेगा 2 - 2 × 1, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो ये क्या होगा, 2 - 2 0, तो ये हम यहां लिख देंगे सीधा 0, ओके। और अब ये जो रो 2 का एलिमेंट है 1 यहां रखो और इसका रिस्पेक्टिव ये जो 1 है वो यहां रखो, तो ये होगा 1 - 2 × 1, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये 1 - 2 कितना होगा, ये हो गया -1, तो ये हम लिखेंगे -1। उसी तरह से ये जो 3 है रो 2 का एलिमेंट यहां रखो और इसका रिस्पेक्टिव रो 1 का एलिमेंट यहां रखो, तो ये होगा 3 - 2 × 1, तो 3 - 2 कितना, 3 - 2 1, तो ये हम लिखेंगे 1 इस तरह से। और अब लास्ट ये 13 रो 2 का एलिमेंट यहां रखो, इसका रिस्पेक्टिव ये जो रो 1 का एलिमेंट है वो यहां रखो, तो ये हम रखेंगे
13 माइनस 2 इंटू 6 तो 13 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 12 1, तो ये हम लिखेंगे यहां पे 1 इस तरह से। तो फाइनली रो 2 के सभी एलिमेंट्स यहां पे आ चुके हैं, रो 2 का इक्वेशन हमने यूज किए और अब रो 3 का इक्वेशन यूज करेंगे, रो 3 में चेंजेस होंगे। चलो इसी टाइप का कैलकुलेशन है, तो आपको क्या करना है, रो 3 के जो एलिमेंट्स है वो आपको R3 में रखना है और उसके रिस्पेक्टिव रो 1 के जो एलिमेंट्स है वो आपको R1 पे रखना है। तो हम यहां पे 5 रखेंगे और यहां पे ये जो 1 है वो हम यहां रखेंगे, तो ये हम लिख रहे हैं 5 माइनस 5 इंटू 1, तो ये क्या होगा, ये होगा 5 माइनस 5 0, तो ये हम लिखेंगे 0, तो यहां पे 0 आ गया। और अब ये जो 2 है रो 3 का एलिमेंट यहां रखो, इसका रिस्पेक्टिव रो 1 का एलिमेंट यहां रखो, तो ये हम रखेंगे 2 माइनस 5 इंटू 1, तो ये 2 माइनस 5 कितना माइनस 3, तो ये हम लिखेंगे माइनस 3 इस तरह से, ओके। और अब ये जो 1 है रो 3 का एलिमेंट यहां रखो, इसका रिस्पेक्टिव रो 1 का एलिमेंट यहां रखो, तो ये हम रखेंगे 1 माइनस 5 इंटू 1, तो 1 माइनस 5 कितना 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4, तो ये हम लिखेंगे माइनस 4 इस तरह से, ठीक है। अब ये जो 12 है रो 3 का एलिमेंट यहां रखो और उसका रिस्पेक्टिव रो 1 का एलिमेंट यहां रखो, तो ये हम लिख रहे कितना 12 माइनस 5 इंटू 6, ठीक है, ये 12 जो है वो यहां आ गया और 5 जो है वो यहां चला गया, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 6 कितना, ये होगा 30, तो 12 माइनस 30 कितना माइनस ऑफ 18, ठीक है, तो ये हम लिखेंगे यहां पे माइनस ऑफ 18। तो फाइनली इस तरह से हमने यहां पे रो 3 और रो 3 रो 2 और रो 3 का इक्वेशन यूज करके इस तरह का नया मैट्रिक्स बना लिए। और अब चेक करो क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं, ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो नहीं है। हमें ये 4 प्लेस पे जीरो लेके आना था, उसमें से ये 2 प्लेस पे हमने जीरो ला लिए, देखो ये 2 प्लस में जीरो, ये 2 प्लेस में जीरो आ गए, लेकिन ये 2 प्लेस में अभी भी जीरो नहीं आए। तो अब ये 2 प्लेस में जीरो लेके आने के लिए आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। हमें रो 3 में, ये देखो ये थर्ड रो है, हमें ये रो 3 में ये 2 प्लेस पे जीरो लेके आना है, तो हम रो 3 के लिए इक्वेशन बनाएंगे और इसका कैलकुलेशन आपको रो 2 के साथ करना पड़ेगा। आप इसका कैलकुलेशन रो 1 के साथ कर नहीं सकते, अगर आप रो 3 का कैलकुलेशन रो 1 के साथ करेंगे तो ये जो जीरो है वो हट जाएगा, और अगर ये जीरो हट गया तो फिर से आपका, आपको फिर से जीरो लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, उसका जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ रो 2 के साथ करो। तो रो 2 के साथ करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहां देखो माइनस 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे जीरो लाने के लिए इसका कैलकुलेशन अगर रो 2 के साथ करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करो। तो हम एक काम करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे रो 3 माइनस 3 ऑफ रो 2। देखो हमने क्या कर रहे हैं, रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ये रो 2 को यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है, ये सब 0 लाने के लिए हो रहा है। तो चलो अब हम यहां पे नया मैट्रिक्स बनाते हैं, तो देखते हैं नया मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है या नहीं। तो सबसे पहले रो 1 के जो सभी एलिमेंट्स है वो हम यहां पे एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि रो 1 के साथ कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तो वो हमने एज इट इज लिखे। रो 2 के एलिमेंट्स भी एज इट इज रखो, क्योंकि रो 2 के साथ भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं है तो वो एज इट इज है। सिर्फ यहां पे रो 3 के एलिमेंट्स चेंज होंगे, क्योंकि रो 3 के लिए आपने इक्वेशन लिखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रो 3 के सभी एलिमेंट्स यहां R3 में रखो और इसके रिस्पेक्टिव रो 2 के सभी एलिमेंट्स यहां R2 में रखो। तो देखते हैं क्या होगा, सबसे पहले ये 0 यहां पे रखो और ये 0 जो है वो यहां रखो, तो क्या होगा 0 माइनस 0, तो ये कितना 0, तो फाइनली यहां पे हम लिखेंगे 0। और अब ये जो माइनस 3 है वो यहां पे रखो और इसका रिस्पेक्टिव माइनस 1 यहां रखो, तो ये हो गया माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस ऑफ 1, देखिए ऐसा हो जाएगा, तो माइनस 3 और ये प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 कितना 0, तो फाइनली हमने यहां पे 0 लिख दिए। और अब नेक्स्ट ये जो माइनस 4 है वो यहां पे रखो, इसका रिस्पेक्टिव ये जो 1 है वो यहां रखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे माइनस 4 माइनस 3 इंटू 1, तो ये माइनस 4 माइनस 3 ये कितना, तो ये हो जाएगा माइनस 7, तो हमने लिख दिया माइनस 7। और अब नेक्स्ट ये जो माइनस 18 है वो यहां रखो, इसका रिस्पेक्टिव 1 जो है वो यहां पर रखो, तो ये हम लिखेंगे माइनस 18 माइनस 3 इंटू 1 इस तरह से, तो ये माइनस 18 माइनस 3 कितना, यहां पे एडिशन करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 21, तो ये हमने लिख दिए। तो फाइनली हमने रो 3 का इक्वेशन, ये R3 का इक्वेशन यूज करके रो 3 में चेंजेस कर लिए हैं। अब चेक करो क्या ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, नहीं, ये अभी भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि इसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स में हमने आपको कहा था कि ये 4 प्लेस पे जीरो आना चाहिए, तो उसमें से यहां पे जीरो आ गया, यहां पे जीरो आ गया, यहां पे जीरो आ गया, लेकिन यहां पे अभी भी जीरो नहीं आया, यहां पे भी जीरो आना चाहिए था लेकिन यहां पे जीरो नहीं आया, और अब यहां पे जीरो आ भी नहीं सकता, यहां पे जीरो नहीं आ सकता, वो इसीलिए क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमें रो 2 के साथ ही करना होता है, रो 3 का कैलकुलेशन रो 2 के साथ ही करना होता है,
लेकिन अभी हम रो थ्री का कैलकुलेशन रो टू के साथ एट प्रेजेंट कर नहीं सकते। हमने यहां तो कर लिए, हमने यहां रो थ्री का कैलकुलेशन रो टू के साथ कर लिए, करने के बाद ऐसा हुआ। अब अगर आप यहां पे रो थ्री का कैलकुलेशन फिर से रो टू के साथ करने जाएंगे तो यहां पे जो जीरो है वो हट जाएगा। देखो ये जो जीरो है वो हट जाएगा, और अगर वो जीरो हट गया तो जो आपने मेहनत की है वो पूरी खराब हो जाएंगी। यहां पे जीरो हटना नहीं चाहिए, वो एज इट इज रहना चाहिए, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। यहां से बोलने का अर्थ ये है कि अब आप इसको और कुछ भी सॉल्व कर नहीं सकते, ये यही पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा और यही पे आपको इसका रैंक चेक करना पड़ेगा। यहां पे ये जो सी मैट्रिक्स है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और ये ए और बी का कॉम्बिनेशन है। ये ए और बी को कंबाइन करके हमने सी मैट्रिक्स बनाए थे। यहां पे हमने पार्टीशन दिए, चलो यहां पे भी हम पार्टीशन दे देते हैं। यहां पे आप क्लियर कट देख सकते हैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ये देखो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। तो फाइनली सी मैट्रिक्स को हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर लिए। इतने प्लेस पे जीरो आ गया, यहां पे जीरो नहीं आ सकता। फिलहाल हमें ये यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा और यहीं पे इसका रैंक चेक करना पड़ेगा। तो चलो इसका रैंक चेक करते हैं। तो इसका रैंक क्या होगा, हमें यहां से क्लियर कट दिख रहा है इसका रैंक जो है वो थ्री होगा। कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम में आपको हमेशा रैंक फाइंड आउट करते आना चाहिए। अगर आपको रैंक फाइंड आउट करना आता है तो आप आसानी से कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। और रैंक कैसे फाइंड आउट करना, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए थे, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। रैंक का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो जैसा हमने यहां बताया कि ये सी का रैंक थ्री है, तो रैंक का डेफिनेशन क्या होता है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं वो चेक करो, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही ये मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। तो चलो यहां पे चेक करते हैं। तो यहां पे ये मैट्रिक्स में कितने रोज हैं, ये मैट्रिक्स में थ्री रोज हैं, ठीक है। ये देखिए ये रो वन, ये रो टू और ये रो थ्री। तो सभी रो को आपको वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले रो में हम चेक करेंगे। सबसे पहले रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। इसका मतलब ये एक नॉन जीरो रो है। अब सेकंड रो में चेक करो, सेकंड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। थर्ड रो में चेक करो, थर्ड रो में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। इसका मतलब ये भी एक नॉन जीरो रो है। तो कितने नॉन जीरो रो हो गए, थ्री नॉन जीरो रो हो गए। वन टू थ्री, थ्री नॉन जीरो रो हो गए। इसका मतलब इसका रैंक हो गया थ्री। तो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स सी इक्वल्स टू कितना, थ्री। तो हमने सी का तो रैंक पता कर लिया कि ये सी मैट्रिक्स का रैंक थ्री है। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स का रैंक चेक करना है। ये देखिए जैसा हमने कहा था कि ये सी मैट्रिक्स ए और बी का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे में ये जो ए मैट्रिक्स है, देखिए ये जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो इतना मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, और ये जो इतना मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ए मैट्रिक्स को बाहर निकालना पड़ेगा और उसका रैंक चेक करना पड़ेगा। तो चलो ये ए मैट्रिक्स को यहां से बाहर निकालो। तो हम यहां पर ए मैट्रिक्स को बाहर निकालते हैं। इसके एलिमेंट है वन वन वन, जीरो माइनस वन वन और जीरो जीरो माइनस सेवन। तो ये हमने ए मैट्रिक्स को हमने यहां से बाहर निकाल दिए। ये देखिए ए मैट्रिक्स को हमने बाहर निकाले। अब इसका रैंक चेक करो, इसका रैंक चेक करो कि इसका रैंक क्या है। तो इसका रैंक चेक करने के पहले सबसे पहले चेक करो कि क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ही आप इसका रैंक निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है। इसमें थ्री रोज है, थ्री कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर अगर थ्री बाय थ्री है तो इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए ये है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो है। इसका मतलब हम इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका रैंक कितना है, तो इसका रैंक है फिर से थ्री। तो रैंक कैसे चेक करना है, तो जैसा हमने बताया है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आपको चेक करना है। तो ये देखिए ये जो रो वन है क्या इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। ये रो टू में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। ये रो थ्री में क्या सभी एलिमेंट जीरो है, नहीं। इसका मतलब यहां पे कितने नॉन जीरो रो है, थ्री नॉन जीरो रो है। तो इसका भी रैंक हो गया थ्री। तो हम यहां पे लिखेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जस्ट अ मिनट, हम यहां पे लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू थ्री। तो फाइनली सी मैट्रिक्स का रैंक और ए मैट्रिक्स का रैंक सेम है। इसका मतलब यह है कि जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, और अगर गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट है इट मींस इसका अब सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। और अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते समय यहां पे कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है वो पहले आप समझ लो। तो रूल ऐसा है कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए का रैंक अगर सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन निकलेगा।
और अगर मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स ए का रैंक सेम है लेकिन नंबर ऑफ अननोन से वो कम है तो वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे। तो चलो यहां पे सबसे पहले तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं वो चेक करते हैं। तो यहां पे ये जो सिस्टम दिया था ये सिस्टम में एक्स वाई जेड यहां पे तीन अननोन है, इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन्स थ्री है। तो नंबर ऑफ अननोन्स थ्री है, अब हम चेक करते हैं दोनों का रैंक क्या है। तो दोनों का रैंक भी थ्री है, देखो सी का रैंक थ्री है और ए का रैंक भी थ्री है, इसका मतलब दोनों का रैंक सेम है और वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है। इसका मतलब ये है कि यहां पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ये कंफर्म है। तो चलो अब हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ठीक है ना, देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट therefore the given system is consistent and there exist unique solution। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसकी तरफ आप ध्यान दो, हमने लिखा है कि सिंस रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए therefore the given system is consistent and there exist a unique solution। तो फाइनली यहां पे एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, वो तो हमने लिख दिया। तो चलो यूनिक सॉल्यूशन अब हम फाइंड आउट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये है कि आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये अब कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो आपने थोड़ी देर पहले जो इक्वेशन बनाए थे ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम एक काम करेंगे ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन दे देंगे। अब हमें यहां पर क्या करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स हमें यहां पर पुट करना है ए के जगह। ये जो बी मैट्रिक्स है देखिए ये जो बी मैट्रिक्स है 6-1-21 वाला, ये जो बी मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स हमें यहां पे पुट करना है और एक्स मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड होता है। तो ये सब कुछ जो अभी हमें मिला है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स वो हमें यहां पे पुट करना है और फिर यहां पुट करने के बाद यहां से तीन इक्वेशंस निकालनी है, फिर वो उसको सॉल्व करना है तब जाके हमें एक्स वाई जेड मिलेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन हमें सब कुछ इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है। तो देखिए ए एक्स इक्वल टू बी, तो सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स यहां पे लिखना है। देखिए ए मैट्रिक्स ये जो हमें नया वाला मिला है वो है ए मैट्रिक्स 1-1-1, उसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे 0-1-1 और फिर है 0-0-7। तो ये ए मैट्रिक्स, अब एक्स मैट्रिक्स लिखो, एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स वाई जेड जो कि अननोन मैट्रिक्स है, ये देखिए हमने यहां पे एक्स मैट्रिक्स यहां पे मेंशन किए थे। और अब बी मैट्रिक्स हम यहां पे लिखेंगे, बी मैट्रिक्स ये जो हमें नया मिला है 6-1-21, तो ये हम लिखेंगे 6-1-21। तो ये हमने यहां पे तीनों को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दिया है और अब हमें ये सिस्टम को सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये काफी आसान है, यहां से हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगी। तो यहां पे देखो यहां पे रो इनटू कॉलम करना है और इक्वल्स टू करना है, तो यहां 1 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू वाई तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इंटू जेड तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू 6। तो ये हमने पहला इक्वेशन बना लिए, कुछ नहीं रो इंटू कॉलम करना है, फर्स्ट ये फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट ये हमने किए, सेकंड इंटू सेकंड एलिमेंट और थर्ड इंटू थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू ये जो है 6। उसी तरह से सेकंड रो और कॉलम करो, तो यहां पे 0 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 0x, -1 इंटू वाई तो ये हो जाएगा -y, 1 इंटू जेड तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू कितना है 1। और अब उसी तरह से थर्ड रो इंटू कॉलम करो, तो 0 इंटू एक्स ये 0, 0 इंटू वाई 0 और ये -7 इंटू जेड तो ये -7z इक्वल्स टू ये कितना है -21। तो ये जो तीन इक्वेशंस मिले हैं ये इक्वेशंस को आप नंबरिंग दे दो, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से हमें जेड का वैल्यू मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जो 7 है ये इधर जाके इसको डिवाइड कराओ तो फाइनली हमें जेड का वैल्यू यहां मिल जाएगा कितना 3। तो फाइनली हमें जेड का वैल्यू मिल गया 3 और अब हमें क्या करना है, ये जेड का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। देखो ये इक्वेशन नंबर 3 में हम रखेंगे तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम यहां रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये हम यहां रखेंगे -y प्लस जेड मतलब +3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -y, 3 उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 1-3 इस तरह से, क्योंकि प्लस है उधर जाके माइनस, तो ये -y इज इक्वल टू ये -2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली y इज इक्वल टू कितना 2 बचेगा। तो फाइनली हमें y मिल गया कितना 2 और अब y और z का जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर ये 2 में रखो क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में हमें सब कुछ पुट करना है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये हो जाएगा x+2+3=6, ठीक है ओके। यहां पे हमने y का वैल्यू और z का वैल्यू पुट कर दिए, y और z का वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, हम सीधा इसको सॉल्व करेंगे,
x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 5, क्योंकि 2 प्लस 3 5 उधर जाएंगे तो माइनस 5, तो 6 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 1, तो हमें x का वैल्यू मिल गया 1। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में लिखा था टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम, तो सबसे पहले हमने कंसिस्टेंसी चेक करे, सिस्टम कंसिस्टेंट है और वहां पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, तो वो यूनिक सॉल्यूशन हमने ये फाइंड आउट कर लिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल गया, तो ये प्रॉब्लम यही पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये था कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।